सो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों आज थोड़े बात करने वाले हैं कि अगर आप फोन पे ऐप यूज कर रहे हैं तो दोस्तों आपके फोन पे ऐप में एक अपडेट आया है। सो दोस्तों अपडेट क्या है, तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुछ लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को एंड तक आपको देखना पड़ेगा। इजिली दोस्तों आप सब कुछ यहाँ पे सीख पाएंगे क्या आपके फोन पे एप्लीकेशन में अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों हम आपको सब कुछ लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके फोन में फोन पे ऐप है तो आपको ओपन करना है। अगर दोस्तों आपके फोन में फोन पे ऐप नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन पे ऐप का लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। जैसे दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको अपने फोन पे ऐप को इस तरीके से ओपन करना है। जैसे आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे अपने फोन पे ऐप को, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों एक यहाँ पे आपको ऑफर मिलेगा लिंक और रुपए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अर्न टू एम पे 50 रुपए। मतलब दोस्तों अगर अपने फोन पे ऐप से अगर यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट कार्ड रुपए का जो क्रेडिट कार्ड होता है अगर लिंक करके अगर दोस्तों आप 2 ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों आपको 50 रुपए कैशबैक भी मिलेगा। इस पर दोस्तों हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर दोस्तों आप 50 रुपए कैशबैक अपने फोन पे ऐप से लेना चाह रहे हैं तो आप इजिली इस वीडियो को देख करके इजिली दोस्तों आप 50 रुपए का कैशबैक आप यहाँ पे ले सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ही पेमेंट करना, आपको 50 रुपए कैशबैक मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो अपडेट आया फोन पे एप्लीकेशन में, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन हो गया यहाँ पे ट्रांसफर मनी का, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन हो रहे हैं। यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे 2 बैंक UPI ID, 2 सेल्फ अकाउंट का, और यहाँ पे चेक बैलेंस का। तो दोस्तों आपको चेक बैलेंस पे क्लिक करना। जैसे चेक बैलेंस पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके फोन पे ऐप में जो भी बैंक आपका लिंक होगा आपका बैंक यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मेरा 2 बैंक लिंक है, केनरा बैंक HDFC बैंक। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है दोस्तों अपडेट जो है यहाँ पे रुपए यहाँ पे ऐड और रुपए क्रेडिट कार्ड का। सो दोस्तों पहले यहाँ पे कुछ नहीं सो रहा था, यहाँ पे दोस्तों अब आपके फोन पे ऐप में स्पेशली दोस्तों इसे बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आपको मिलता है। उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे रुपए का जो क्रेडिट कार्ड है ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड नाउ पे क्लिक करना। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको ऐड नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद में अब आपके सामने इस तरीके से जैसे आप बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो आपको सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपका जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है उस बैंक को आपको सर्च करना पड़ेगा। जिस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका बैंक इस तरीके से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में अगर दोस्तों आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो यहां पे क्रेडिट कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। अगर दोस्तों आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो यहां पे लिखेगा नो अकाउंट फाउंड। मतलब दोस्तों आपका उस बैंक पे अकाउंट ही नहीं है और आपके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। सो दोस्तों अगर अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं फोन पे, आपके फोन पे ऐप में ही एक अपडेट आया था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।